अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जीएनएन। मैं हूं ज़ैनुल हसन। मैं हूं हफ्सा आसिफ। इस बुलेटिन में साथ होंगे तंसीर जैदी भी। हेडलाइंस आपने जानी, आगाज में आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से मुतालिक अहम आइनी तरमीम आज पार्लियामेंट में पेश किए जाने का इम्कान। हुकूमती वफ़ की मौलाना फजल रहमान से एक बार फिर तआवुन की दरख्वास्त। रात गए हुकूमती अरकान ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक सरबराह JUI ने ताहाल कोई जवाब नहीं दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी आज इत्तेहादियों के इजलास में इशाया देंगे और अरकान को एतमाद में लिया जाएगा। ऐवान में हुकूमती इत्तेहाद के पास 213 अरकान है, जबकि आइनी तरमीम के लिए 224 की हिमायत दरकार है। आइनी तरामीम की मंजूरी के लिए JUIFA और आज़ाद अरकान की हिमायत दरकार होगी। हुकूमती ज़रा ने दावा किया है कि PTI के 4 सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 2 साबिक फाटा और जुनूबी पंजाब से 1-1 रुकने कौमी असम्बली भी बिल की हिमायत करेंगे। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास में मुजवजा आइनी तरमीमी बिल पेश किए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली के अहम इजलास का 6 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। ज़िमनी एजेंडे के तौर पर आइनी तरमीम और कानून साजी की तहरीक पेश की जा सकती है। हुकूमत आइन में 2 तरामीम लाना चाहती है। मुजवजा तरामीम के जरिए जजेस की उम्र और चीफ जस्टिस के ओहदे की मुद्दत का तायुन मकसूद है। हुकूमत ने चीफ जस्टिस की तायुनाती के लिए 3 या 5 जजेस पर मुश्तमिल पैनल के नाम मंगवाने की तजवीज़ भी दी है। में आइनी तरमीम के हवाले से नंबर्स गेम भी सामने आ गई है। ऐवान में नून लीग की हुकूमत को 213 अरकान की हिमायत हासिल है, जिनमें पीपल्स पार्टी के 68 और MQM के 22 मेंबरान के अलावा दीगर इत्तेहादियों के 34 अरकान शामिल हैं। आइनी तरमीम की मंजूरी के लिए 336 रुकनी ऐवान के 224 मेंबरान की हिमायत दरकार है। ज़राए का दावा है की हुकूमत को 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाए। PTI के 4 अरकान भी आइनी तरमीम के हक में वोट देंगे। सेंट्रल पंजाब से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 2 साबिक फाटा और जनूबी पंजाब से 1-1 MNA बिल की हिमायत करेंगे। उधर अहम हलकों के JUIFA के अराकीन पार्लियामेंट से भी राबते हो चुके हैं। ऐवान में JUI के 8 मेंबरान हैं। ज़राए के मुताबिक हुकूमती वफ़ ने रात मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की और उनसे आइनी तरमीम में तआवुन की दरख्वास्त की। तहम मौलाना फजल रहमान ने कोई जवाब न दिया। पार्लियामानी ज़राए के मुताबिक नंबर गेम पूरी होने पर सप्लीमेंट्री एजेंडे के तौर पर आइनी तरमीमी बिल सेनेट में भी पेश किया जा सकता है। कौमी असम्बली का इजलास 3 बजे और सेनेट का इजलास सपहर 4 बजे होगा। कौमी असम्बली में आइनी तरमीम आज पेश की जाएगी। हुकूमत की अपोजिशन और इतिहादी जमातों से रबते तेज हो गए हैं। रात गए हुकूमती वफ़ ने मौलाना फजलुर रहमान से एक और मुलाकात की। हुकूमती वफ़ ने इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़ और मोहसिन नकवी ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। ताहम हुकूमत तहाल मौलाना को कायल करने में कामयाब ना हो सकी। दूसरी जानब BNP का तरमीम की हिमायत ना करने का फैसला। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 10 घंटे तक जारी रहा। BNP के 2 अरकान सेनेट में मौजूद हैं। शहर इकतदार में जोड़ तोड़ का क्या माहौल है, ये जानने के लिए हमने रब्ता किया है नुमाइंदा GNN आतिफ भट्ट से। आतिफ भट्ट, बताइएगा कौन किससे रब्ता कर रहा है और रब्तों में क्या पेशरफ्त हुई है? जी, कौमी असम्बली का जो इजलास है आज हफ्ते के रोज़ गैर मामूली तौर पर खसूसी तौर पर बुलाया गया है और रूटीन का एजेंडा इसका जारी किया गया है। सेनेट और जो कौमी असम्बली का इजलास है, कौमी असम्बली 3 बजे और सेनेट 4 बजे इजलास होगा और हुकूमत की जानब से आज नंबर गेम पूरी करने के बाद आइनी तरमीम जो है वो आज ऐवान में पेश किए जाने का इम्कान है। और ताहम ये भी हिकमत अमली बनाई गई है कि अगर आज नंबर गेम पूरी नहीं होती तो आज कौमी असम्बली के इजलास में जो बिल है वो आइनी तरमीम जो है वो पेश कर दी जाएगी और उसके बाद कल इसकी मंजूरी ली जाएगी। इस नंबर गेम पूरी करने के लिए हुकूमत की जानब से जो अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ साथ जो दीगर अपोजिशन जमातें हैं जिसमें मौलाना फजलुर रहमान है और आज़ाद अरकान है, उनसे रवाबत का सिलसिला जारी है। मौलाना फजलुर रहमान से रात गए भी मुलाकात हुई, आज दिन में भी मौलाना फजलुर रहमान से रबता किया गया। मौलाना फजलुर रहमान की जानब से सिर्फ जजेस की हद तक जो है वो मुद्दत मुलाजमत में तस्दीक का जो तरमीम है उसकी मुखालफत की गई है। ताहम ये जरूर कहा गया है कि अगर आइनी अदालती असलाहत लाई जाती हैं तो इस हवाले से JUIFA का जो मौकफ है वो मुख्तलिफ होगा। हुकूमत की जानब से अभी भी JUIFA को कायल करने की कोशिश की जा रही है। अगर कौमी असम्बली में नंबर गेम की बात की जाए तो इस वक्त कौमी असम्बली में जो हुकूमती इतिहाद है उसकी तादाद 214 है, जिसमें 111 मुस्लिम लीग नून, 69 जो है वो पीपल्स पार्टी के हैं, इसी तरह MQM के 22 हैं। JUIFA के अगर 8 मिला लिया जाए 214 के बाद वो तादाद 222 हो जाती है और फिर भी कम अज कम 3 से 5 जो आजाद अरकान है उनकी हमायत दरकार होगी। हुकूमत की जानब से
वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने यह दावा किया है कि उनके पास नंबर गेम जो है वो पूरी है और इम्कान यही है कि आज कौमी असम्बली के इजलास में आइनी तरमीम जो है वो पेश की जाएगी अदालती असलाहत से मुतलिक। और ये भी फैसला किया गया है हुकूमत की जानब से कि यह मामला जो है तहरीक पेश करने के बाद कोशिश की जाएगी कि अगर आज नंबर गेम पूरी हो तो आज इसको मंजूर करा लिया जाएगा, वरना इसको कमेटी में नहीं भिजवाया जाएगा और कल इतवार के रोज जो है कौमी असम्बली का इजलास बुलाकर और सेनेट का इजलास बुलाकर आइनी तरमीम मंजूर करा ली जाएंगी। चाहते भी सारी सूरत हाल में ये भी बात सामने आ रही है कि पार्लिमानी कमेटी का मौकफ भी इसमें शामिल करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, तो पार्लिमानी कमेटी का मौकफ कब तक आ जाएगा? माननीय कमेटी जो बनाई गई है उसका जो मौकफ है वो अपोजिशन की जानब से इसकी शदीद मुखालफत का ऐलान किया जा चुका है किसी भी अदालती असलाहत से मुतलक जो आइनी तरमीम है, इसलिए हुकूमत की जो तवज्जो है वो अपने 214 के बाद जो बाकी अरकान है उसकी तादाद पूरी कर, क्योंकि हुकूमत को 224 अरकान की हमायत दरकार होगी आइनी तरमीम करने के लिए कौमी असम्बली में, और इसी तरह 64 अरकान चाहिए बता रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे, यूसुफ रज़ा गिलानी इस वक्त खिताब करेंगे। अभी आपको बताएं कि मुजव्वज़ा आइनी तरमीमी बिल आज पेश किया जाएगा या नहीं। हुकूमती वज़रा के मुतज़ाद बयानात से अबहाम जन्म लेने लगे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और मुशीरे कानून का नंबर पूरे होने का दावा है, जबकि वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ ने इजलास में किसी मखसूस कानून साजी की भी तरदीद कर दी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने भी कानून साजी के हवाले से लाइल्मी का इजहार किया। हुकूमत के हम इत्तेहादी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा आइन तरमीम पर जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, हुकूमत इत्तेफाक राय पैदा करे। अदलिया से मुतालिक कानून साजी और आइनी तरामीम दरकार नंबर्स और अहम इजलास से मुतालिक वुज़रा के मुतज़ाद बयानात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार आज कानून साजी से ही लाइल्म चेयरमैन पीपल्स पार्टी का इत्तफाक़ राय का मशवरा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं तरामीम के लिए नंबर्स पूरे हैं, आज बिल पेश करेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा आज का इजलास तो गिरफ्तार अरकान के लिए है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने आज कानून साजी से मुतालिक मुकम्मल लाइल्मी का इजहार कर दिया। दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मशवरा दिया कि जोर जबरदस्ती की बजाय हुकूमत इत्तफाक राय पैदा करे। 19वीं तरमीम 18वीं तरमीम पर पिस्तौल तान कर मंजूर करवाई गई। अपॉइंटमेंट्स किए जाते हैं उस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तनकीद काफी देर से आपके सामने है। हम तो काफी देर से कहते आ रहे हैं कि जो 19th अमेंडमेंट है सर पे नए हमारे 18वीं तरमीम पे बंदूक रख के वो जबरदस्ती तरमीम पास करवाया गया। मुशीर वज़ीर आज़म बैरिस्टर अकील ने नंबर्स पूरे होने का इशारा दिया, बोले 41 अरकान को सुप्रीम कोर्ट आज़ाद करार दे चुकी, वोटिंग होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, हुकूमत मावराए आइन तरामीम नहीं ला रही। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि जिन्होंने मुझ पर केस बनाया आज हम उन्हें ही वोट दे रहे हैं। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि नंबर्स पूरे होंगे तो बिल पास करेंगे, बिल में इस्लाहात की बात है। उन्होंने कहा कि जो बिल पास हो रहा है वो मखसूस बिल नहीं है। इदारों के सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत से मुतालिक बिल पर नंबर्स पूरे हुए तो बिल मंजूर हो जाएगा। साबिक वज़ीरे आज़म का मजीद कहना है कि मसाइल का हल वक्त से पहले इंतखाबात नहीं है, इससे सूरत हाल मजीद पेचीदा हो जाएगी। तमाम सियासी क़वतों को मिलकर मुल्क के लिए सोचना चाहिए। अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से मुतालिक बयान को कोई संजीदा नहीं ले रहा। ये जो बिल पास हो रहा है ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, ये एक ऐसा बिल है जिस पे एक रिफॉर्म्स की बात है, और जो स्पेकुलेशन ये है कि हमारी नंबर जो हैं पूरे हैं या नहीं है, पूरे होंगे तो बिल पास करेंगे, तो इसलिए इसमें आपको फिक्र की ज़रूरत ही नहीं। मिलकर काम करना ज़रूरी है। अब ये देखें कि जिन्होंने मेरे ऊपर केस बनाया आज हम दो वोट जो हैं यहाँ खड़े हैं, हम जाएंगे तो वो पास हो जाएगा। हमने तो दिल बड़ा रखा हुआ है कि उन्होंने हमारे ऊपर केस बनाया और आज हम उनको वोट देने जा रहे हैं, तो इसलिए हमने मुल्क का सोचना है, पर्सनल लेवल की बात नहीं है। इलेक्शन इज़ नॉट द आंसर, इट विल फर्दर कॉम्प्लिकेट, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बेटर सेंस शुड प्रिवेल और तमाम जितने भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनको मिलके मुल्क के लिए सोचना चाहिए। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने आइनी तरमीम को अदलिया को फतह करने का प्लान करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा आइनी तरमीम एक मकसद के लिए लाई जा रही है, आसान नहीं होगा कि आप अदलिया को रोंद कर इसकी फतह कर लें, आवाम मजाहमत करेंगे, फॉर्म 47 वाली हुकूमत को बचाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है।
फवाद चौधरी ने कहा लोगों को अगवा करके नंबर गेम पूरी की जा रही है। इस वक्त इस आईनी तरमीम का और कोई मकसद नहीं है, जो फॉर्म 47 की पार्लियामेंट के जरिए हो रही है कि आप जुडिशरी को फतह करें, लोगों को अगवा करके, उनके बीवी बच्चों को अगवा करके नंबर पूरे किए जा रहे हैं। मैं इस वक्त अदलिया से ये कहना चाहता हूँ, आप वाहिद इदारा है जिसने रजिस्ट किया, बाकी तो आपके सामने मीडिया भी सारा लेट गया, बार काउंसिल्स भी लेट गई, बाहर के मुल्कों से जो मुजाकरात करने हैं वो वफाक ही का इख्तियार है, हम एक फेडरेशन। लेकिन अली अमीन गंडापुर की अगर आप पूरी बात सुने तो वो ये कह रहे हैं कि वो वफाक को कह रहे हैं कि कोई हल बताएं। जिस तरीके से टेररिज्म के मसले को गैर संजीदा अंदाज से हुकूमत ने लिया है, उसकी वजह से इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये जो बातें हैं वो हो रही हैं। मैं अब भी ये समझता हूँ टेम्परेचर नीचे लाने चाहिए, गवर्नर रूल का सोचना भी नहीं चाहिए खैबर पख्तूनख्वा में। अगर आपने गवर्नर रूल वहाँ पे लगाया, मामला हाथ से निकल जाए। पाकिस्तान का सबसे ताकतवर शख्सियत तो मोहसिन नकवी है, शहबाज शरीफ तो नहीं है, सिविलियंस में आपने देखना है। अभी तो जाहिर है कि जो मामला हैं वो लोग उनकी तरफ ही देखेंगे ना, शहबाज शरीफ को तो बेचारे को कोई नहीं देखा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सीटीडी ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में खतर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के दौरान 9 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। मियांवाली से फितनाल खारिज के एक और कारिंदे और फैसलाबाद से कलदम तंजीम के दो खतरनाक दहशतगर्दों को गिरफ्त में लिया गया। तफसीलात लाहौर से फियाज मलिक इस रिपोर्ट में। दहशतगर्दी के खदशात के पेश नज़र सीटीडी की लाहौर, मियांवाली, बहावलपुर, रहीम यार खां, साईवाल, रावलपिंडी और फैसलाबाद में कार्रवाइयां। मियांवाली और फैसलाबाद से कालादम तंजीम के दो खतरनाक दहशतगर्दों समेत 9 दहशतगर्द पकड़े गए। जवान सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर, हफाजती फ्यूज वायर, मोबाइल फोन और नकदी बरामद कर ली। दहशतगर्दों की शनाख्त अब्दुल करीम, उस्मान, इमरान सदीकी, शानी, शौकत, अहमद खान, शहराज महमूद, सईदुर रहमान और मुस्तजाब के नाम से हुई है। सीटीडी हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई करके अवाम में खौफ व हरास फैलाना चाहते थे। रवा हफ्ते 978 कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 78 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार किए। कॉम्बिंग ऑपरेशन में 34,694 अफराद से पूछ गूछ भी की गयी।